वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हमारे घर में हो रही है संकटा माता की पूजा की तैयारी, जिसमें मैंने संकटा माता को पटापे बनाने के लिए तैयारी। यहाँ मैंने चौक भी बना दिया है, चौक पूरा जाता है वो। और ये संकटा माता की मतलब प्रतिबिंब बना रहे हैं चंदन से, उसको हम गिन भी रहे हैं कि क्योंकि सात सुहागलें जिमा रही हैं, तो मतलब हमारी सात से ऊपर ही हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि सात बना लो, और पांच या सात ही बनाते, इसलिए हम गिन गिन के उनके प्रतिबिंब बनाते जा रहे हैं और वो बताती जा रही हैं। और हमारी सासू माँ भी आई हैं, उनको भी मैं आज ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी ज़रूर। और ये संकटा माता की पूजा मतलब हमारे यहाँ बुली हुई थी, इसलिए मैंने किया है। और इसका ये पार्ट वन बन रहा है, और इसका फिर पार्ट टू भी आएगा। और अब मैं यहाँ जो अपने पूजा वगैरह की तैयारी होती है ना, तो वो बता, ये मेरी सासू माँ है। और हम वो मम्मी जी बोली कि मतलब जब तक सब लोग आते हैं तब तक अपन लोग यहाँ पूजा की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसमें भी टाइम लगता है, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर देर लगती। तो इसको मैं अब मैं माता रानी को उससे नहला रही हूँ, वो धूप होती ना और पानी से, उनको पानी का छिड़काव कर दिया है। अब वो बता रही हैं, क्योंकि मैं पहली बार अकेले में कर रही हूँ, वैसे तो मम्मी के साथ करते थे तो इतनी वो नहीं पड़ती थी, मम्मी करती थी, लेकिन जब मैंने कभी बोली थी तो मुझे ध्यान भी नहीं था। और उन्होंने ही ध्यान लगाया कि ये मतलब पूजा वाला महीना चल रहा है तो इसमें पूजा कर लूँ। अब मैं उनके सबके सिंदूर लगा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, और तो वो बता रही सिंदूर वगैरह लगा के फिर इनके पैरों में मावल लगाना। अब मैंने मावल लगाना शुरू कर दिया है, और जैसा जैसा वो बताती जाती हूँ मैं वैसा करती जा रही हूँ। इधर है ना ये कलश रखा हुआ है, इसमें ना कटोरी है, उसमें चने रखे हैं और गौर मिट्टी की बना के रख ली है। और अब गौर को बना के उनकी भी पूजा की जा रही, तो मम्मी ने कि पहले गौर से स्टार्टिंग करो फिर इन पे, और इनके फिर है ना मेहंदी वगैरह जो भी कुछ होता है वो मैंने इनके लगा रही हूँ, और आपको दिख ही रहा है। और मुझे तो इतना नहीं है पता, लेकिन फिर भी बीच बीच में भूल जाते हैं तो वो ये याद दिलाती रहती। इसीलिए कहा जाता है कि घर में एक बुजुर्ग या मतलब अपना कोई भी पुरखा होता है ना, तो वो ठीक रहता है सारी चीज़ें बताने के लिए। और ये मेरी मम्मी इधर ग्रीन साड़ी में बैठी है, रेड साड़ी में वो मेरी ननद है। और अब मैं मम्मी से कह रही मावल लगवा लो, तो इन लोगों के मम्मी ने कहा पूजा के लिए जो लेडीजें आएंगी ना उनके लिए निकाल दो, जिससे वो उनके माता के लगाएंगी तो वो लोग लगा लेंगे और हम इन लोगों के मावल लगा देंगे, ये हमसे बड़ी हैं। तो मैं अब मैं इन पहले मैंने मम्मी ने कहा ये फूल रख के, तो फूल तो चढ़ा दो, मैं ध्यान भूल गई। तो फिर अब मैं फूल चढ़ा रही हूँ, इसमें सारी मैं मतलब जो भी हमको इन सुहागलों को जो भी कुछ देना है, मम्मी ने कहा इन पे माता पे ये भी पास में ही रख दो, क्योंकि पट्टी पे तो नहीं रख सकते उनकी साड़ी वगैरह में, तो ये हमने वहीं रख दिया है। सब सारा सामान चढ़ा दिया है उन पे, सुहाग का फूल भी चढ़ा दिया, तो ये मानने लगती हैं। तो मम्मी ने कहा पहले दीदी के लगाओ मावर, तो ये हमारे यहाँ अपने अपने से जो बड़े होते हैं एज में मान वगैरह जो लगते हैं, तो ये दीदी हैं, तो इनके मैं पैर में मावल लगा रही हूँ। और इनके मावल लगाने के बाद मैं फिर मम्मी के मावल लगाऊंगी, उसके बाद मैं अपने मावल लगाऊंगी, और फिर आगे की पूजा की स्टार्टिंग होगी। अभी मतलब मेरे हस्बैंड है, कुछ लोगों को लेने के लिए गए, क्योंकि सभी लेडीजें कुछ दूर दूर की हैं, तो वो उनको लेने के लिए चले गए हैं। और दीदी का यहाँ मावल स्टार्ट हो गया, तो उनके मैं मावल लगा रही हूँ, और आप देखते जाइए। और मम्मी कुछ बात भी कर रही हैं, वो लोग भी कुछ बात कर रही हैं, और इसमें कुछ और तैयारी वगैरह रह गई तो वो बता रही हैं कि जो मतलब रह गई पहले पूजा मतलब होने ही लगेगी ना, सब लोग कर लेंगे, उसके बाद जो भी उनको खिलाने वगैरह का जो भी सामान होता है भोग वगैरह का, तो वो तुरंत के तुरंत वहीं वापस तभी लगाना, अभी से लगा के मत रखो, क्योंकि फिर रहना करना निकलना होता है किसी का, उसमें कुछ कहीं ना कुछ कहीं गिर जाए। मतलब हमारी भाभी वगैरह आई है ना, तो वो है ना सबके पैर छू रही हैं और मेरे भी छू रही हैं। और जो मैंने गुड़िया को ले लिया है छोटी वाली को, और इसको आपने पहले भी ब्लॉग में देखा है, ये वो भाभी है, ये मामा जी हैं जो हमारे, उनकी बहू है जो जे येल्लो कलर का इनका साड़ी पहने, और ये इधर है ना पीली साड़ी पहने, ये छोटी बहू मौसी जी की है, और उधर है ना वो पैर छू के बैठ गई हैं वो बड़ी वाली बहू। इन दोनों को तो आपने देखा है ब्लॉग में पहले भी, अब वो लोग आ गए, तो मैं ये कह रही हूँ अब ऐसा करो आप लोग भी पहले पूजा कर लो, सभी सुहागलें हमारी आ चुकी हैं, अब ये लोग भी पूजा स्टार्ट करेंगी। पहले का दीदी मैं इन सबके पैर छू लूँ, तो ये लोग उन सबके पैर छू रही हैं कि होता है हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम
अपनी ननदों के यहाँ जाते हैं तो जैसे कि जो भी लोग होते हैं सबके पैर छूते, मैं भी अपनी ननद के यहाँ जाती हूँ तो मैं भी पैर छूती हूँ। अब ये सभी लोग बैठ गई हैं तो अब ये लोग भी पूजा यहाँ जो भी होगा, अब कलावा यहाँ बांधा जा रहा है क्योंकि पूजा कर ली है, कलावा वगैरह बांध के और मैं हाथ धोने गई हूँ। किसी कुछ किया होगा तो उसमें हाथ होंगे ख़राब, तो मैंने कहा चलो मैं अपने हाथ धो लूँ और कलावा बांध रहा है तो मैं इनसे ये बोल रही हूँ, मैं रह गई हूँ, मेरे भी कलावा बांध देना। हाँ तो सब लोग कह रहे हैं अरे आप तो मैं नहीं हो दीदी, दीदी आपके तो पहले ही बांधूँगी। तो मैंने कहा चलो तब तक सबके बांधो कलावा, फिर मैं बंधवा लूँगी। कोई इसको मोली भी बोलते हैं कलावा को, और वैसे कलावा कहने से सबको ही समझ में आ जाता है कि कलावा, वैसे इसे मोली भी बोलती है। तो अब ये भाभी मेरे भी कलावा बांध रही हैं हाथ में और इधर सबके बन गया, इधर दीदी से स्टार्ट करवाया था मैंने बंधवाना क्योंकि वो बड़ी हैं मान्य वर्ग हैं इस वजह से। और ये दोनों बच्चियां बैठी हैं, ये हमारे यहाँ कन्या है, इसका भी निमंत्रण है, इसको भी आपने देखा है। अब मम्मी ने कहा पूजा स्टार्ट करते हैं तो अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट होगी, होम वगैरह करेंगे। अब सब लोग बैठ रही हैं तो मम्मी कह रही हैं ऐसा कर लो पहले होम कर लो। और मैंने ये पूछा मम्मी ये प्रसाद वगैरह रखा है तो ये भोग अभी लगाना है, तो मुझे कह रही नहीं अभी भोग नहीं लगाएंगे, भोग बाद में लगाते हैं, पहले इनका होम कर देंगे, इनका हवन होता है हवन टाइप का। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं धूप बत्ती बना रही हूँ जिससे कि बत्ती का धुआं उनको देने के लिए, और इधर जो लौ दिख रही है हल्की उधर दीपक भी जला देंगे। तो वो बोल रही है एक धूप बत्ती जला के रख लो, और बताते जा रहे हैं ये लोग क्योंकि और अपने से बड़े लोग होते अपन को कुछ नहीं आता है तो वो लोग तो बताते ही हैं। तो मैं अब यहाँ माचिस लेके धूप बत्ती वगैरह को जला रही हूँ।